आपका स्वागत है मेरे चैनल दावते रसोई में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्रिस्पी मजेदार सी चिकन आलू पिनव्हील्स की रेसिपी। इसको चिकन खाजा भी बोला जाता है। ये रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत टेस्टी है। आई होप कि ये रेसिपी आपको पसंद आ जाए। व्यूवर्स के रिक्वेस्ट पर मैंने ये रेसिपी आपके साथ शेयर की है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। और परात में हम 3 कप मैदा ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हमने यहाँ पे कलौंजी ली है। उसके बाद नमक लेना है स्वादानुसार और 1 टीस्पून हमने अजवाइन लिया है। ये इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद हमने यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। ऑयल को भी हमें अच्छे से मिक्स करना है। ऑयल को हमने अच्छे से मैदे में मिक्स किया है। देखिए इसकी मुट्ठी बन रही है। इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स करना है और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और मैदे को गूंद लेंगे। मैदे को हमें सख्त गूंदना है, ज्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना है। देखिए आटे को हमें, जो ये मैदा हमने लिया है, इसको अच्छे से सख्त गूंदना है। देखिए हमने इसमें पानी इसमें ज्यादा ऐड नहीं किया है, कितना ये सख्त है और इसे सख्त ही गूंदना है। आटे को हमने सख्त गूंद लिया है और इसका डो बना लिया है। तो अब डो को हम आधे घंटे के लिए रख देते हैं साइड में। चिकन लिया है 250 ग्राम और इसके लिए ये मसाले लगने वाले हैं। ये मसाले हमने लिए हैं, रेड चिली पाउडर लिया है 1 टीस्पून, जीरा पाउडर लिया है 1 टीस्पून, क्वार्टर टीस्पून हमने यहाँ पे ब्लैक पेपर लिया है, गरम मसाला पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, नमक लेना है स्वादानुसार, क्वार्टर टीस्पून हल्दी ली है और यहाँ पे चाट मसाला लिया है 1 टीस्पून। ये सारे मसालों को हमें एक बाउल में मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले हमारे मिक्स हो चुके हैं तो अब हम इसे साइड में रखते हैं और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है तो ये हम चिकन को लगा लेते हैं। अदरक लहसुन पेस्ट हमने लगा लिया है और इसमें से हम, जो हमने अभी मसाला रेडी किया है, इसमें से हम मसाला भी ले लेते हैं। 1 टीस्पून भर के लिया है। अच्छे से लगाना है मसाला भी। फिर से लिया है 1 टीस्पून। चिकन को अच्छे से लगा लिया है। चिकन में देखिए जरा भी पानी नहीं है। हमने चिकन को अच्छे से ड्राई करके लिया है, इसका पानी निकाल कर इसको लिया है। देखिए सूखा सूखा चिकन है तो अब हम इसको मैरिनेट करने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए रख देते हैं। इनको 15 मिनट हो चुके हैं। साइड में हमने पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है और उसमें हमने 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। तो अब हम फ्राई करेंगे चिकन को। फ्लेम को लो ही रखना है, लो फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे इसको। एक साइड से हमारा चिकन फ्राई हो चुका है तो अब हम पलट लेते हैं चिकन को। देखिए कितना अच्छा कलर आया है और जूसी लग रहा है। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है तो अब हम चिकन को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। चिकन हमारा ठंडा हो रहा है उसी वक्त में हम साइड में यहाँ पे एक बर्तन लिए हैं और बर्तन में हम ऐड करेंगे ऑयल 1 टेबलस्पून। फ्लेम को हमने ऑन रखा है। जैसे ही हमारा ये तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा, साबुत जीरा हमने यहाँ पे लिया है
और हाफ टी स्पून अजवाइन दिया है। हल्का सा चला लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। फ्लेम को लो ही रखना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। आलू हमने 4 लिए थे बॉईल करके, इसका छिलका उतार कर इसको हमने ठंडा किया है और ठंडा करके इसको मैश किया है। और आलू को हमने बॉईल करते वक्त इसमें नमक ऐड किया था। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारा बचा हुआ मसाला है, जो हमने चिकन के लिए इस्तेमाल किया है, वो सारा मसाला हम इसमें ऐड करेंगे। और इसमें नमक है इसलिए हम अलग से नमक इसमें नहीं ऐड करेंगे। अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले के साथ आलू को। फ्लेम को हम बंद करते हैं। फ्लेम को हमने बंद कर दिया है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ऐसे ही चला लेते हैं, इसको श्रेड कर लेते हैं। चिकन हमारा ठंडा हो चुका है। चिकन को हमने श्रेड कर लिया है और साइड में हमारा आलू जो है वो भी ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ धनिया, 4 टेबलस्पून हमने लिया है, और उसी में हम चिकन को भी ऐड करेंगे। और अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। आधा घंटा हो चुका है डो को हमारे, तो अब डो को हम हल्का सा गूंद लेते हैं। 5 मिनट गूंदना है इसको। डो को हमने सॉफ्ट गूंद लिया है। देखिए डो हमारा सॉफ्ट हो चुका है, तो अब हम इसके 2 हिस्से कर लेते हैं। और यहाँ पे डो लिया है तो डो को हम बेल लेते हैं। बगैर तेल के या फिर बगैर आटे के ही हमें इसको बेलना है। ठीक है, डो को हमने बेल लिया है और अब हम इसके साइड्स निकाल लेते हैं। इसको मोटा ही बेलना है, पतला नहीं बेलना है। देखिए किस तरह से हमने इसकी शीट तैयार कर ली है। ये स्टफिंग को हमें स्प्रेड करना है। इस तरह से इसको फैला लेते हैं। देखिए हमने इसको फैला दिया है और अब हम इसको सीधा करेंगे। अब हम इसके ऊपर चटनी लगा लेते हैं। पुदीने की हमने चटनी बना ली है। पुदीना और हरा धनिया लेकर इसकी चटनी बनानी है। और इसका लिंक मैंने अपने आई बटन में डाल दिया है, तो आप वहां से देख सकते हो। इससे एक बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है और बहुत खाने में मजे का लगता है ये पिनव्हील। अब हम इस तरह से साइड से इसको उठा लेते हैं। और इसको रोल करेंगे, टाइट रोल करना है, एक ही डायरेक्शन में इसको रोल करते जाना है।
पट्टे की डायरेक्शन में इसको इस तरह से टाइट रोल करना है, इसका हल्के हाथों से करना है। रोल हमारा रेडी हो गया है, तो अब हम इसको काट लेते हैं। देखिए कितने अच्छे इसके पिनव्हील निकल रहे हैं। और इसी तरह हम काट लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने काट लिए हैं। और यहाँ पे हमने एक बाउल में 3 टेबलस्पून मैदा लिया है, और मैदे में हम ऐड करेंगे 1/2 कप पानी और इसकी स्लरी बना लेंगे। स्लरी हमारी तैयार हो गई है, और अब हम यहाँ से ये इस तरह से इसको डिप करना है स्लरी में। साइड में गरम हो चुका है, फ्लेम को लो रखा है हमने, और अब हम एक एक करके तेल में डाल देते हैं। इस तरह से चिपक जाते हैं और फिर निकल जाते हैं, जैसे फ्राई हो जाते हैं। ये देखिए पलट लेते हैं इसको एक एक करके। देखिए गोल्डन कलर आने तक ही इन्हें फ्राई करना है, हमने हल्का गोल्डन कलर आने तक ही इन्हें फ्राई किया है, और अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह हम दूसरे भी फ्राई कर लेते हैं। देखिए कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं पिनव्हील्स हमारे। देखिए जरा भी टूटा नहीं है, इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है, और आसानी से हम घर पे बना सकते हैं, इसका मजा ले सकते हैं। देखिए पिनव्हील्स को हमारे कितना अच्छा कलर आया है, और अब हम इसको एक प्लेट में निकालते हैं और सर्व करते हैं। देखिए ये हमारे चिकन आलू पिनव्हील्स बनकर तैयार हो गए हैं। खाने में मजेदार है, टेस्टी है, बच्चों को पसंद आने वाली ये रेसिपी है। आप जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट जरूर करना, आपके कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक ऐसी मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।